मशहूर शायर मुनव्वर राणा, जिनकी शायरी का कोई जवाब नहीं। ये अपनी शायरी के अलावा उस वक्त सुर्खियों में थे जब CAA को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। वो दिन था और आज का दिन है। एक बार फिर उनकी चर्चा पूरे यूपी में हो रही है, लेकिन इस चर्चा की वजह आप जानेंगे तो आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि वजह ऐसी है कि चुस्त दुरुस्त यूपी पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। दरअसल राजधानी लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर से लाखों के जेवर चोरी हो गए। हैरत की बात यह है कि 40 लाख रुपए की कीमत के जेवरात चुराकर चोर चंपत हो गए और लखनऊ पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मामले की शिकायत मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने लखनऊ कमिश्नरेट के हुसैनगंज थाना में की है। पुलिस ने IPC के धारा 380 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। FIR के मुताबिक फौजिया राणा ने बताया कि उन्होंने अपने गहने घर के स्टोर रूम में एक डिब्बे में रखे थे और जब कुछ दिनों बाद उन्होंने दोबारा डिब्बे को खोला तो उसमें से गहने गायब मिले। शायर मुनव्वर राणा का परिवार लखनऊ के हुसैनगंज क्षेत्र के FI ढींगरा अपार्टमेंट में एक फ्लैट में रहता है, जहाँ चोरी की वारदात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मुनव्वर राणा के परिवार के सदस्यों और बाहर से आने जाने वालों को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि इस वक्त मुनव्वर राणा किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका डायलिसिस भी चल रहा है। इसके पहले उनका इलाज दिल्ली में भी हो चुका है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।